हर बेटी को आज ये बात यहाँ से समझनी है कि पापा की परी नहीं अपने गुरु की शेरनी हूँ मैं, समर्थ होता है वो पीढ़ी अपने आप सुरक्षित हो जाती है। तो मैं बहुत बच्चा पैदा होता है वो मैं करता है, ये पैदा हुई थी ये राम राम करती थी, लाए हैं वो हमारी माताएं हैं, हमारी बेटियां हैं, आगे बढ़ रही है और ये पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में सनातन का परचम लहराए। सभी मालवा वासियों से निवेदन करती हूँ, सभी इनके पट्टाभिषेक में पधारे। उज्जैन में कथाकार वर्षा नागर को महामंडलेश्वर की उपाधि मिल गई। महामंडलेश्वर क्या होते हैं, कौन बनते हैं और हर किसी के बस का क्यों नहीं होता है महामंडलेश्वर बनना, आपको बताएंगे। उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द खबरदार न्यूज में, मैं हूं आपके साथ शिवम कुशवाहा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नलखेड़ा की रहने वाली कथाकार वर्षा नागर को महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाएगी। इस उपाधि हेतु एक दिन पहले वर्षा नागर का संत संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया है और एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष संत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज और महामंडलेश्वर मंदाकिनी दीदी के सानिध्य में क्षीर सागर स्थित हनुमान मंदिर से निकाली गई। आपको बता दें, महामंडलेश्वर बनने के लिए व्यक्ति में वैराग्य होना चाहिए, संन्यास होना चाहिए, ना घर ना परिवार और ना ही पारिवारिक संबंध होने चाहिए। हालांकि इसमें आयु का कोई बंधन नहीं होता है, लेकिन संस्कृत वेद पुराणों का ज्ञान जरूरी होता है और जिस व्यक्ति में ये योग्यता होती है उसे ही महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती है। वह या तो बचपन में अथवा जीवन के चौथे चरण यानी वानप्रस्थ आश्रम में महामंडलेश्वर बन सकता है। ब्राह्मण परिवार में हुआ है, लेकिन कल आज संन्यास संस्कार के साथ मेरा नया जीवन प्रारंभ हो रहा है और पूज्य गुरुदेव के सामने मैं एक बात कहना चाहूँगी। उद्दंडता करते हुए हर बेटी को आज ये बात यहाँ से समझनी है कि पापा की परी नहीं अपने गुरु की शेरनी हूँ मैं, और राष्ट्र और सनातन का प्रचार करने के लिए हमें अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने का अवसर पूज्य गुरुदेव से प्राप्त हुआ है। गुरु माँ जिनके माध्यम से श्री श्री 1008 साध्वी माता मंदाकिनी पुरी जी जो मेरी माँ हैं इस समय, जिन्होंने मुझे संन्यास के लिए ये राह बताई है और मुझे गुरु जी से मिलाया। मेरे दद्दा गुरु आप पूज्य गुरुदेव होने वाले हैं, तो जिनके दद्दा गुरु ऐसा जिनका बुजुर्ग समर्थ होता है वो पीढ़ी अपने आप सुरक्षित हो जाती है। तो मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ अपने पूरे परिवार की ओर से, जय गणेश परिवार की ओर से, वर्षामृत सेवा संस्थान की ओर से पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए ये पूरा जीवन श्री पंचायत निरंजनी अखाड़े के लिए समर्पित करती हूँ। आज भी है, कल भी है। आज हमारे उज्जैन का ही जो अपना क्या बगलामुखी, हाँ बगलामुखी है, वहाँ के हमारे वर्षा नागर जो हमारे साथ खड़ी है, मैं ये कहना चाहूँगा ये इनका पट अभिषेक अभी नहीं होने जा रहा है। इनका पट अभिषेक मैं समझता हूँ जब ये माँ को पैदा हुई थी तभी हुआ था। जब बच्चा पैदा होता है वो मैं करता है, ये पैदा हुई थी ये राम राम करती थी, और आपको तेजुब होगा 10 साल की उम्र में इन्होंने कथा करनी शुरू की थी। तो मैं समझता हूँ ऐसी विभूति मिलना बहुत मुश्किल है और हम निरंजनी अखाड़े की ओर से इनको मान सम्मान और महामंडलेश्वर का जो पद है, कल हम इसके लिए पट अभिषेक होगा और हमें बहुत खुशी है कि इस समय जो है जो हमारी महिलाएं हैं वो हमारी माताएं हैं, हमारी बेटियां हैं, आगे बढ़ रही है। और मेरा यही कहना है कि आगे चल के जो हमारी वर्षा नागर है कल से इनका नाम अलग नाम दिया जाएगा। जो इनका संस्कार है शोभा यात्रा के तुरंत बाद में और उसके बाद में कल पट्टाभिषेक है और इन्हें आशीर्वाद दे धर्म का कार्य। नमस्कार, मैं हूं नीलेश मालविया और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज धार्मिक नगरी उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ सा नजारा देखने को मिला है। जी हां, आज यहां पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज एवं निरंजनी अखाड़ा महामंडलेश्वर मां मंदाकिनी जी पुरी के सानिध्य में एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर किया गया है। आप हमारे पीछे गेट देख रहे हैं, यहाँ पर पट्टाभिषेक समारोह एवं भंडारे का आयोजन किया गया है। जी हाँ, नए महामंडलेश्वर के रूप में यहाँ पर कल पट्टाभिषेक का प्रोग्राम होने वाला है और आज एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। आप देख रहे हैं उज्जैन से द खबरदार न्यूज के लिए नीलेश मालविया की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम में संतों ने भोजन प्रसादी का लाभ लिया और गुरुवार को अखाड़ा परिषद अध्यक्ष सहित देश भर के संतों के सानिध्य में वर्षा नागर का पट्टाभिषेक होगा और फिर उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाएगी। उज्जैन से हमारे रिपोर्टर नीलेश मालवी की रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय 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 जय